a very energetic, mehkti morning. कैसे हैं आप सब? कैसा था आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड तो इतना एनर्जेटिक नहीं था, लेकिन मेरी आज की मॉर्निंग सुपर सुपर एनर्जेटिक थी. और मैं आपको बताऊं, आई रोड, इसको क्या कहेंगे, कौन सी बाइक है ये? अस्सलाम वालेकुम. बाइक है, टूरिंग बाइक कहलाता है. टूरिंग बाइक. अच्छा, आई रोड अ टूरिंग बाइक एंड अ वेस्पा. वी हैव अ वेस्पा ओवर हियर टू, अगर आपको नजर आए, फ्रॉम सिंगापुर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. तो मेरे लिए दिस वॉज एन अचीवमेंट एंड थैंक यू. मुझे नहीं गिराया आपने, मैं आपके साथ आई थी. थैंक यू, मुझे गिराया नहीं आपने. और आज का शो जो है हमारा बाहर होगा सारा, और हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे. हमारे यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, हमारे पास सिंगर्स हैं आज, और हमारे पास एक पूरा बाइकिंग ग्रुप है जो अपने आप को क्या कहते हैं, बाइकर्स एंड हाइकर्स. तो मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों की कराती हूँ. हमारे साथ हैं ज़ैगम साहब, हमारे साथ हैं मलिक अरशद और याकूब मलिक, जो लीडर्स हैं इस ग्रुप के. और इनको ज्वाइन किया है जुवीना ने फ्रॉम सिंगापुर, जो कि अपने एक मिशन पे निकली है. जुवीना, प्लीज कम हियर. जुवीना वर्ल्ड टूर पे निकली हुई है, और जब उन्हें पता चला बाइकर्स एंड हाइकर्स का, तो इनकी एक कोलैबोरेशन हो गई है, और अब आप लोग साथ वर्ल्ड टूर करेंगे. अच्छा जुवीना, हेलो, हाउ आर यू, कैन आई हेल्प? हेलो जुवीना. हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर दे? Yeah. Are they nice people? Yeah, very nice people. Very nice people. Very fantastic. तो कहाँ जाने का आप लोगों का इरादा है? ये world tour में कौन-कौन सी जगह आती हैं? How easy it is कि आप bike पे जा सकें? Recently, अगर हम अपने attempts के बारे में बात करें, तो हम लोग अभी फिलहाल पाकिस्तान को explore कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा. सिर्फ biking ही नहीं, हम hiking भी कर रहे होते हैं, जिसमें हम K2, नांगा पर्वत, रका पोशी, इस तरह की जो इंसान चोटियों को भी उनके बेस कैंप्स तक हम सर कर चुके हैं उनको. लेकिन अगर आप वर्ल्ड टूर की बात करें, तो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान है, जिसमें हम यूरोप टूर के लिए फर्स्ट जाएंगे. अच्छा, यूरोप बाइकर्स एंड हाइकर्स ग्रुप, इंशाल्लाह. अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे. आई वुड लाइक टू नो ऑल अबाउट दिस. इसके अलावा हमारे साथ हैं फलक. किधर है फलक? आगे आ जाएं प्लीज. मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे इस तरह के ग्रुप्स में लड़कियां भी होती हैं, और वो भी कुछ अचीव कर रही हैं, एंड शी इज अ बाइकर. अस्सलाम वालेकुम फलक. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. कब से शौक है ये बाइक चलाने का, और किस तरह ये ग्रुप बना आप लोग? ये एक एक करके बना है, या आप लोगों ने साथ ही शुरू किया? शुरू में जाहिर है डिसीजन लेने पड़ते हैं हम तीन जो मेन. एक सेकंड, सॉरी सॉरी जी, आप शुरू से. शुरू में डिसीजन लेने पड़ते हैं हम तीन जो मेन आपके सामने खड़े हुए पर्सन यहाँ पे. तो हम लोग फाउंडर भी हैं इस क्लब के. हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट गैदर करें लड़कों को और एक क्लब की शक्ल दी जाए, और दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको फिर. चलिए ठीक है, मैं भी चाहूंगी कि मैं आपके क्लब में शामिल हूं, क्योंकि मुझे राइडिंग अ बाइक इज वेरी थ्रिलिंग, लेकिन चलाना मुझे लगता है उससे भी बेहतर होगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो वी कैन ट्राई दैट. आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं फलक का, जो इना का, तो शी. मैं बिल्कुल, दे कैन बेटर टेल यू. मैं डिटेल में जाऊंगी, एक एक जो मेंबर है इस ग्रुप के, उनसे डिटेल में पूछूंगी. हमारे साथ हैं आज हिना, जो कि है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट. हमारी एक्सरसाइज भी आज बाहर होगी, खूबसूरत से मौसम में, और शुक्र आज धूप निकल आई है, वरना तो हम लोग धुंध में बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा होता. और हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनसे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपके सवालात हैं. और आज का शो इसी तरह हम शुरू करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी महकती मॉर्निंग. एंड बिफोर आई फॉरगेट, वी हैव अदनान रजा टू, जो कि हमारे सिंगर हैं, क्योंकि जब इतनी अच्छी महकती मॉर्निंग हो रही है, तो फिर गाना बजाना कैसे ना हो साथ में, है ना? सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल. तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं भी मत जाइएगा. मॉर्निंग, एक बहुत ही मजेदार सी ठंडी ठंडी मॉर्निंग. और आज हिना, अस्सलाम वालेकुम. आज हम आपके एलिमेंट में हैं, आज हम बाहर हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, तो अब भी हमने ख्वाहिश पूरी कर दी. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अगेन कंप्लीट बॉडी वर्कआउट विद स्टेप्स. आज तो कोई स्टूडेंट्स नहीं है इतने, और इतने फिट स्टूडेंट्स हैं. क्या आप लोग वैसे एक्सरसाइज करते हैं? Do you have a mic? मैं करता हूँ तकरीबन वीकली टू टाइम या थ्री टाइम. अच्छा.
जी और आई एम इन 52 लुक लाइक ओ यू डू नॉट लुक 52 एट ऑल वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह चलें तो हम ऐसा करते हैं आपके फिटनेस के राज भी पूछेंगे हिना हम क्या करने जा रहे हैं आज कंप्लीट बॉडी वर्कआउट विद द स्टेप्स ठीक है एंड एवरीबॉडी कैन फॉलो यस तो लेट्स गो लेट्स प्ले सम म्यूजिक लेट्स स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल मार्च मुझे बारबेक्यू की स्मेल आ रही है
cross. Drop your head down, move your head clockwise. Center, right, and left. Now, center, and yes. Double chin. Arm forward. Balance yourself first. Balance your body. Not possible. Double chin again. This one is slimming your face. And if it's very slim, this is making you fat. And thank you. Thank you. Everybody, that was great. Appreciate to karte hai na sab ne itni exercise kiye. Thank you very much. Thank you. Ye kisi ne bhi nahi dekha. Main batati hu kisi sabse fit exercise. Ye raat ko repeat mein dekhungi. Raat mein fir aapko feedback diya jayega. अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक ताकि सबको मैं पानी शानी पिला सकूं और हम रिलैक्स कर सके. थैंक यू सो मच हेना फॉर बीइंग विद अस. कैसे वैसे मुझे बताएं लग कैसे रहा है ऑल द बाइक्स एंड एवरीथिंग. आज तो बहुत अच्छा लग रहा है. रियली गुड. यस इट इज. डू यू वांट टू स्टे लॉन्गर. देखा तकल्लुफ ना. थैंक यू. मेरी एक्सरसाइज होगी. आई एम गोइंग. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सी यू आफ्टर ब्रेक. We'll be right back.
फुटेज देख के इतना डर लग रहा है, ये कैसे किया आपने? ये GoPro से शूट हुई भी थी? नहीं, इसमें हमने GoPros भी यूज किए हैं, DSLR को भी यूज किया है और एरियल शूटिंग भी हुई है इसमें सर। एरियल शूटिंग भी ड्रोन से? ड्रोन के साथ। अच्छा, जबरदस्त। तो ये आप लोग प्लान कैसे करते हैं? ये रैंडम ट्रिप्स होते हैं, आपको पता होता है यहाँ से यहाँ जाना है और हमें सबसे खतरनाक पॉसिबल रूट लेना है। बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जिस साइड पे हमने चले, नांगा पर्वत बेस कैंप वाली साइड पे हम लोग जा रहे हैं, फेरी मेडोस पे। अच्छा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पैदल 3-4 दफा अटेम्प्ट कर चुके थे। अच्छा। देन वी हैव डिसाइडेड के व्हाई नॉट वी शुड टेक आवर बाइक्स टू द फेरी मेडोस। अच्छा, एंड हाउ इजी वाज इट? Basically we are riders, so I think for us, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जैसे मैं हूँ लेमैन जिसको सड़क पे भी बाइक चलाने से थोड़ा डर लगता है, तो उसके बस की बात है कि नहीं? नहीं, नहीं? I would not suggest anyone के वो इसको travel करे और इसको करे, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन और आप लोगों की training कब से आप लोग इसमें training कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? हम लोग from the last 15 years जो सुना है biking में। अच्छा। 2010 से हम लोग regular जो सुना trail biking कर रहे हैं। अच्छा। उससे पहले हम लोग ये street bikes जो उनसे 1-5 वगैरह हैं, इन्हीं पे traveling कर रहे थे, लेकिन after that हमने यही decide किया कि क्योंकि trail is a comfortable bike, आपका कम्फर्ट लेवल, आप थकते नहीं है उस पे और आप उस पे एज लॉन्ग एज ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बाइक्स में जो डिफरेंस है जी, कि आप कोई भी बाइक लेके जा सकते हैं, स्पेशल बाइक्स होती हैं इसके लिए? दो तरह, तीन तरह के बल्कि बाइक होते हैं। एक आम स्ट्रीट बाइक है, ये छोटे से मोटरसाइकिल जो है, होंडा वगैरह है कंपनी के बने हुए, और उसके बाद नहीं 125 हो गए, और उसके बाद आती है कैटेगरी 600 से अप। अच्छा। 600 सी से वो कहलाते हैं टूरिंग बाइक। अच्छा। और तीसरी जो क्वालिटी है इसकी है ना किस्म, वो है ड्यूल पर्पस। अच्छा। दोनों काम करने, ऑफ रोड चलना भी और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करनी है ना आपने, तो वो ड्यूल, हाँ, जैसे ट्रेल बाइक, इसको हम यहाँ ट्रेल बाइक कहते हैं। ट्रेल से मुराद है ये जो कच्चे पक्के रास्ते हैं ना, उस पर ये तो आइडियल मशीन है। अच्छा। उसके लिए कि इसमें आदमी, पावरफुल इंजन है इसका, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, बड़े से बड़ा झटका जो है ना वो आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। फिर ये है ना कि ये इसको चलाने के लिए स्पेशली ट्रेनिंग भी चाहिए। जब आप इन कच्चे पक्के रास्तों पे चलाए ना ये बार बार बाइक, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाते हैं, फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं। अच्छा, हम लोग बाइक की टेक्निकलिटीज में तो हम चले गए, लेकिन कुछ जो आपका माहौल होता होगा ट्रैवल करते हुए, आप लोग इतनी खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, हमने थोड़ा सा यहाँ भी बनाने की कोशिश की है। ये बाय द वे हमारा खूबसूरत सा ATV का ऑफिस है, विदर ऑरेंज ऑर्चर्ड्स इन द बैकग्राउंड, और हम यहाँ पे बारबेक्यू भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का। अपना तारुफ तो करें। मोहम्मद तनवीर मेरा नाम है जी। मोहम्मद तनवीर साहब, क्या बना रहे हैं आप? मैं चिकन बोटी बना रहा हूँ जी। चिकन बोटी, और इसकी मैरिनेशन में क्या डाला आपने? मैरिनेशन में ब्रांड का कोई नाम नहीं लेना आप? नहीं नहीं, इसमें ब्रांड कोई भी नहीं है। अच्छा, ये तनवीर ब्रांड है। जबरदस्त भाई, ठीक। हाँ जी। अच्छा, और क्या कुछ डाला है इसमें? मैंने इमली डाली है, आलू बुखारा, लेमन जूस, गार्लिक, जिंजर और पेपर, होल पेपर, रेड पेपर चिली। अच्छा। वो डाली है इसमें, साल्ट है, गरम मसाला है। अच्छा। और धनिया पाउडर वगैरह। I can't wait to have it. मुझे तो I can bet for you कि इससे टेस्टी आपने तिक्का आज तक नहीं खाया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, मैं एक छोटी सी तारीफ करना चाहूँगी अपने ड्राइवर की, जो बहुत ज्यादा अच्छा तिक्का बनाते हैं भाई। मैंने कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन आज अगर उसे बीट कर दिया ना आपने, तो मैं मान जाऊंगा। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, जब एक्सरसाइज भी हो रही थी मुझे थका भी एक्सरसाइज खत्म होगी ताकि हम बारबेक्यू शुरू करें। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। आप बाय प्रोफेशन बैंकर हैं? जी जी, बाय प्रोफेशन। तो ये टाइम किस तरह निकलता है, या ये शौक है? ये शौक है जी। अच्छा। इसके लिए निकाल लेते हैं टाइम। आप लोगों के ग्रुप के मेंबर हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं? जी बिल्कुल, हमारे ये मेन मेंबर हैं। अच्छा, तो आपकी डेजिग्नेशन जो है वो क्या है? ये इसी के ऊपर है हमारे। क्या बात है भाई, तो एग्जीक्यूटिव आप में से कौन कर लेता है कुकिंग? कोई भी नहीं, यही बड़ाई का सीन इत्तेफाक है। एक दफा बहुत पहले अरसे की बात है, तो प्रोग्राम ही चल रहा था बारबेक्यू के लिए, कहा जी बंदा कोई हायर करते हैं। मैंने कहा चलो यार मैं बना देता हूँ बारबेक्यू, बस वो मेरा आखिरी दिन था, बना दिया। उसके बाद फिर मैं फंस गया। अच्छा, तो आप लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं? नहीं, हम भी मैं देख रहा हूं कोई मदद नहीं कर रहा आपकी। आई एम श्योर मैरिनेशन क्रीप नहीं आने देता ना। अच्छा, ये मैं क्रीपिंग हाथ ही लगाने देता। ये बहाना मैं इनका तोड़ू, अभी बुलाऊं इन्हें, सीखों पे लगवाऊं।
नींद से लगेगी मैरिनेट करना भी एक अलहदा फन है, सीख को पिरोना, बोटी को पिरोना सीख पे, वो भी अलहदा फन है। अच्छा। ये लगाते हैं तो कभी बोटी इधर से चली जाती है, कभी इधर से घूमना शुरू कर दीजिए सीख के ऊपर, नाचना शुरू कर दीजिए। ये बोटी गिराने सीख से ना बहुत ही आपको फुफड़ होना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज तो मुझसे भी लग जाती है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बॉन फायर, जिसको आग लगाते हुए बड़े मजे की बात की आपने कि औरत को तीली दे दे, औरत आग बहुत अच्छी लगाती है। जी बिल्कुल सही है ना, और मैंने तीली के बगैर आग लगाई है, ये बता दे, है ना, पेट्रोल डाल के इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे बॉन फायर भी करेंगे और चलाओ जी, चलाओ हमने। अच्छा जी, चलाएं जी प्लीज। नहीं नहीं, आप लगाएं इस दफा। मर्द भी बड़ी अच्छी आग लगाते हैं, दिखाती हूँ, ये एग्जाम्पल है। 16 सही। ये जी हम लोगों की बॉन फायर का इफ्तिताह हो चुका है यहाँ पे, और पीछे आपको जो कैंप नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने यहीं पे टेंट लगाया है खुद, और आपके लिए हम लोग दोबारा से यहाँ पे लाइव टेंट लगाएंगे। तो जिसने भी कभी जिंदगी में टेंट नहीं लगाया वो हमारे साथ रहे, हम आपको सिखाएंगे टेंट कैसे लगाते हैं। आसान होता है कि नहीं? बहुत आसान, आसान बहुत ही। अच्छा, ये मुझे कोई मॉडर्न सा टेंट लग रहा है जो ये अब इसी तरह चलते हैं, जब आप कैरी करते हैं ना हाइकिंग के लिए, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जब भी आपने, तो फिर ये कैरी करना आसान होता है, क्योंकि मुझे जो टेंट याद है ना उनको लगाना, तो और अगर वो स्नैप कर जाए, लाइट वेट होते हैं बेसिकली, कैरी करना आसान, कैरी करना आसान है। और इसमें चार बंदे, चार बंदे इस छोटे से कैंप, 4% हो सकते हैं इसमें। वाह, एटीट्यूड, एटीट्यूड किस तरह बिल्ली की तरह रोल होके इधर कॉर्नर में। हां हां, मैं देखता हूं, मैं बहुत स्पेस है, देखिए ना इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है। अभी हम लेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं हमारे पास मियां नईम साहब, और इस मजे के माहौल को और भी हम लोग मजे का बनाएंगे, कहीं भी मच जाएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग, मैं यहाँ पे दावत देना चाहूंगी हमारे बहुत ही प्यारे एस्ट्रोलॉजर मियां नईम साहब को। मियां नईम साहब, आप जहाँ भी हैं आ जाएं। कहाँ है मियां नईम? अस्सलाम वालेकुम भैया, कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा था और एंट्री पे नहीं है, है? ये आज बस हम लोगों ने कैंपिंग का माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे, और हम चाह रहे हैं कि हम कैंपिंग भी करें, और हम यहाँ पे बाइकिंग भी करें, और हम म्यूजिक भी करें, और हम आगे फ्यूचर के बारे में बात भी करें। मियां नईम साहब के लिए मैंने यहाँ पे जगह डिफाइन की, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लेना है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक नई बात बताती जाऊँ मियां नईम साहब के बारे में, कि मियां नईम साहब अपनी जवानी में बाइकर भी रह चुके हैं। वैसे जवान अभी भी हो। क्या बात, क्योंकि बाइक देख के क्या बात, एहसास हुआ कि अभी भी जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है डेफिनेटली। तो कब आपने ये बाइकिंग क्लब ज्वाइन किया? ये कुछ 78, 79, 82 तक गार्डन कॉलेज में था, और वहाँ हम दोस्त थे, और हमने उस वक्त एक बाइकर्स क्लब बना रखा था। लेकिन आज के बाइक और जमाने के बाइक में बहुत फर्क हुआ करता था। आप लोगों के पास कौन से बाइक्स थे? वो हमारे उस वक्त कावासाकी 100X ट्रेल हुआ करती थी, और इतफाक से बल्कि मुझे अभी पता चला मेरे साहब की जुबानी की, जिस बाइक पे मैं बैठा हूँ ये विंटेज और बड़ा ही हिस्टोरिकल है, जो डकार रैली में इस्तेमाल हुआ, और इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है, और यकीन पाकिस्तान में बड़ा इम्पोर्टेंट है। जबरदस्त, और ये तो मैं अपने उस फीलिंग और वाइब्रेशन मेरे अंदर वो बड़ी आ रही है, विश के उस वक्त ऐसी चीजें होती है ना। बिल्कुल, पर आई बेट कि उस वक्त जो चीजें थी वो दे वर द बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स। बिल्कुल, क्योंकि यू नो अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ आई थिंक सो और कुछ एडवांस हो जाएगा, 35 इयर्स बैक। अच्छा, बहुत फर्क थी। अच्छा होता कि चार दोस्त थे हम, और यह अमूमन हम जाते थे, उनमें एक दोस्त ऐसा था जिसका पूरा एक्सपर्ट था इंजन खोलने और बंद करने के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ कभी टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, एडिशनल ऐसी चीज़ें साथ लेके हम चलते थे। और फर्स्ट ग्रुप हमारा जो गया था इस्लामाबाद से, चले हम गिलगित तक। अच्छा। लास्ट टाइम स्टे करते, और यही कैंप लाइफ हुआ करती थी, सारा कुछ होता था। उसके बाद फिर मुल्तान तक के टूर भी रहे, उस गर्मियों में एक और एक सर्दियों में। अच्छा। दो ग्रुप्स हुआ। अच्छा, तो मुश्किल कौन सा होता है टूर वैसे, सर्दियों का या गर्मियों? गर्मियों में बहुत मुश्किल होगी, सर्दियों में तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ, और खासकर गर्मी की, कि तो आपका चेहरा जल जाता है।
बड़ी मुश्किल होती है। और हमारे साथ एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, आप तो खैर आप चलते होंगे, कि एक दफा हम इसी तरह जीटी रोड पे जा रहे थे चार दोस्त, तो हमारे सामने एक ट्रक था। अच्छा। मैं बड़े एक्सीडेंट से बचा कि वो सब लोग खुश हुए, बजाय खुश होकर अप्रिशिएट करके एक आदमी के हाथ में तरबूज पकड़ा था और कोई 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की और उसने फेंका और मेरी चेस्ट पे आके लगा, तो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा और हमने संभाला उसको। कितना फ्रीक एक्सीडेंट में उसको कहूंगी एकदम से। अच्छा मुझे लगा था कि सर्दियों में क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है गिलगित और इन एरियाज में, तो वहाँ पे तो रहना, विंटर स्नो हो तो टफ है, अदरवाइज विंटर में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंक्लूड करूंगा विंटर का मसला ही होता है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में स्पॉट्स हैं वो उधर बर्फ पड़ जाती है, वो है अप्रोच मुश्किल हो जाती है, जहाँ तक आप जा सकते हैं आप जाएंगे, उसके बाद आपको कट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा। तो गर्मियों में तो हर रास्ता खुला होता है, तो बंदे का दिल करता है कि मैं जगह जगह पहुंचू उस जगह तक। और दूसरी बात मैं वैसे आपसे शेयर करूंगा कि बाइक एक ऐसी चीज है कि वो पाकिस्तान के एरियाज जहां पे प्रॉपर रोड नहीं, छोटे ट्रैक, आप उन एरियाज को भी एक्सप्लोर। जी जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल मौसम ठीक हो, मौसम ठीक हो, अप्रोचेबल है, आप अप्रोचेबल है ऐसे एरियाज जो जहां पे ऑफ रोड बाकी जीप्स वगैरह भी नहीं जा सकती, बाइक पे आप आराम से जा सकते हैं। बल्कि वो चित्राल और आगे मेडोज वो सारे एरियाज हो गए, बड़ी प्यारी खवातीन भी है जो आपको ज्वाइन करती है, लेकिन अगर और बाइक्स पे भी जाते हैं, ये नहीं कि ऑल ओवर पाकिस्तान के मजीद बाइक्स पे ही अपनी बेगम को भी बच्चों को लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को मैं एक चीज शेयर करूंगा आज भी कि जो प्लेयर मोटर बाइक के ऊपर है ड्राइविंग का, अच्छा, खासकर हिल एरिया, अच्छा, उसका गाड़ी में आप एंजॉय नहीं करते। नेचर को आप बहुत नेचुरली देख रहे होते हैं, नेचर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप नेचर को देख रहे होते हैं, नेचर के बीच में आपको फीलिंग ऐसे कि मैं खुद नेचर में चल रहा हूँ, नेचर का हिस्सा हूँ, नेचर का हिस्सा हूँ। क्योंकि हमारे पास आप एस्ट्रोलॉजर हैं और हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की बात डेफिनेटली करनी है, तो एडवेंचरस जो स्टार्स हैं वो कौन से हैं जो यूजली इस फील्ड में होंगे या इस तरह की रिस्क टेकिंग जिनमें एबिलिटीज होती हैं? देखिए यूजुअली वैसे तो हर स्टार में ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि आउटस्टैंडिंग होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लेकिन जनरली अगर हम आप ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडवेंचर्स फिर नेचर लविंग, क्योंकि आप नेचर लविंग हो गए तो एडवेंचरस भी होंगे, ये फर्स्ट आपका सेटअप। तो उसके लिए ल्यू, टॉरस और एक्वेरियन, ये तीन इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जो नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं। एडवेंचर, अच्छा, के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट मार्स, उसको ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। अगर मार्स आपका स्ट्रांग है तो आप रिस्क टेकर भी होंगे, स्पीड को भी पसंद करेंगे, ये सारी चीजें, तो ये अच्छा, हर स्टार में अकॉर्डिंगली ये चीजें मौजूद होती है। अच्छा, एक मैंने अभी रिसेंटली चीज पढ़ी थी कि अभी दो कोई प्लैनेट्स हैं, ये पता नहीं कितने प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं बहुत अरसे बाद, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक साइकिल बनता चला जाता है, हमारा अपना सोलर सिस्टम। एस्ट्रोलॉजी में इफेक्ट उस वक्त पड़ता है जब हमारे अपने सोलर सिस्टम के जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप बनता है। अच्छा। क्योंकि इनकी अपनी एक लाइफ होती है जो तकरीबन 1 महीने से लेके और 2.5 साल में रोटेट करते हैं। जैसे हमारे प्लैनेट में सबसे क्विक जो इफेक्ट होता है वो मून का होता है, क्योंकि मून अपनी पोजीशन 2.5 डे में चेंज करता है, वन हाउस टू अदर हाउस, तो 30 दिन में एक साइकिल कंप्लीट होता है। सेकंड प्लैनेट सैटर्न है, वो 2 साल 8 माह में चेंज करता है, तो इस तरह है। लेकिन वैसे ये जो मौसम, अभी हम जब खड़े हैं तो मौसम बाहर की आमद है, तो ये इस तरह के एडवेंचर और इन चीज़ों के लिए बड़ा खूबसूरत है। जो हमने कहा कि जो एडवेंचरस हैं, लियो, वी विल बॉन्ड रियली वेल, बड़े मजे का। अच्छा, दिस इज अ लिटिल ऑफ टॉपिक, लेकिन मुझे भी याद आया कि कुछ अरसे पहले हमें पता चला था कि जिनके जो स्टार्स हैं वो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि एक 13वां स्टार निकल आया था बीच में, एक फॉल्स स्टडी आई थी, छोटी सी डेट, थोड़े से दिनों के लिए था। अच्छा। और उसके बाद वो फिर फेड अप हो गया, तो इसलिए कि ये एक सब्जेक्ट इस तरह का कि वो आज का नहीं है, आज का नहीं, हजारों साल से है। इसमें हम जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन, रोमन और ग्रीक और इवन हमारी अपनी संस्कृति को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें वहाँ इसके ट्रेसेस मिलते हैं। बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई आके अफेक्ट तो वो झूठ ना, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब, इवन दो कि वो प्लैनेटरी पोजीशन शिफ्ट भी हो गई थी, फिर भी मैं लियो ही थी, लेकिन फिर भी अफेक्ट नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारे परसेप्शन। अच्छा, दूसरा मैं इस बाइक के बारे में ये बताना चाहूंगी कि इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, है ना,
इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। ये एक्सेल वी 750 है और 1983 मॉडल है, वेंटेज है इस टाइम। और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बाइक है, और ये बाइक जो है डकार में जो रेस जो लगा चुका हुआ है एक दो की हुई है, पेरिस डकार रैली होती है। हर बंदे की जो बाइकर्स है कम से कम उसकी ये एक ख्वाहिश जरूर है कि वो डकार रैली जो है ना उसको ज्वाइन कर सके। अच्छा, और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पे इस बाइक पे अभी बैठूंगी। प्लीज मुझे कोई इस पे थोड़ी देर के लिए एक चक्कर तो लगवा सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी। और एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, हम ब्रेक के बाद जब आएंगे, हमारे पास यहाँ पे एक वेस्पा है जो ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? यस, उर्दू भी जानती है और थोड़ा थोड़ा उर्दू जान गई है। उर्दू में बात करते हैं फिर, कैसा लगता है पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जुबीना है, मैं सिंगापुर से आया हूँ। अच्छा ठीक, और सिंगापुर से क्या करने आई हैं आप? सैर करने। What are you here to do? Visit. I left Singapore last year May to travel around the world on my Vespa scooter. So I've went to Malaysia, Thailand, Myanmar, Nepal, India, and now I'm in Pakistan. On your Vespa, you went everywhere on your Vespa. Yes. That's amazing. That's She's amazing. Wandering Vespa, basically. Yeah, wandering Vespa. A wandering Vespa. That's a nice title. Kya kahenge usko? Bhatakti hui bhed. लेकिन हमने अभी भी भटक क्या कहते हैं उसको, वॉन्डरिंग भटक बेसिकली। तो आपने वही लव्स का अपने नॉर्थ के बारे में पूछे, अपने नॉर्थ के बारे में पूछे कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान का नॉर्थ। शी नो होल्ड दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज आवर नॉर्थ, northern areas of Pakistan. Yeah, northern areas is gorgeous. It's very difficult to leave that place. It's very difficult to leave? Yeah, every corner is very beautiful scenery. So you've been to so many places in the world. Mm-hmm. So would you say Pakistan is by far the best you visited? That's a rhetorical question, you have to say yes. Yeah, okay. I think northern areas is the best. Yeah. It is? Break ke baad barbecue humara ready hone laga. अदनान रजा, मेरे का मैं तारुफ करा दूं, और यहाँ पे हम लोग कुछ फन एक्टिविटी करने लगे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे दोबारा वही थोड़ा सा माहौल बनाना चाह रही हूँ जो कि इनके एडवेंचरस ट्रिप्स पे होता है। तो हमारे साथ एक सिंगर तो है ही, जब ये गाना गा लेंगे तो हम लोग खुद भी कुछ एडवेंचर टाइम करेंगे, हो जाए मेरे साथ, है ना? बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं आपसे, प्लीज। मुश्किल हो गया
सर की कसम मेरा तेरा दीवाना। यही बीबी शीरीन पश्तो में नहीं हो सकता था, सिर्फ ये जो बीबी शीरीन वाला पार्ट था ना, ये पश्तो में होना चाहिए था। बीबी शीरीन जेड़े गुल सिर्फ ये जो पार्ट है ना बीबी शीरीन वाला, ये पश्तो में गा पता ना मुझे रट्टा मारा भाई, पता ना मुझे। हम बारबेक्यू की तरफ आते हैं, अभी मैं देख रही थी कुछ बोटियां बन गई थी, वो कहाँ गायब हुई हैं? वो ये नीचे पड़ी हुई हैं, इधर है वो, एक चेक करा दीजिए फौरन से। कंप्लीट क्यों नहीं हुई है ये बोटी, बंद क्यों नहीं रही? अच्छा उसे रेस्ट, नहीं मुझे पूरी रेस्टफुल बोटियां चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटी, नहीं आप इसको परफेक्ट बनाए, पूरी नहीं परफेक्ट है, चेक कर लो, चेक कर लो, परफेक्ट है। फिर आपने क्यों कह दिया ये? नहीं नाराज हूँ, इन्हें मुझे ब्रेक में बनाना पड़ेगा, हम ब्रेक के बाद वापस। जबरदस्त भाई, ये अमेजिंग स्टंट्स जो हमने आपको यहाँ पे दिखाए, इसमें से प्लीज एक पब्लिक मैसेज, घर में कुछ भी ट्राई मत कीजिए, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट तो आपने प्लीज ये ट्राई नहीं करना, वरना आपको खुद नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे अलबत्ता हम आपको एक अगली ब्रेक में जो है कुछ स्टंट्स भी करके दिखाएंगे। हम चलेंगे, हमारे पास ये जो इतना सुपर गैंग है, इनसे हम बात करेंगे वन बाय वन। अगर आप हमें इंट्रोडक्शन करें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, ये वेस्पा जो है ये पूरी दुनिया फिरेगा और इस वेस्पा पे मैं राइड लूंगी। तो आई कैन से कि यू नो द वेस्पा दैट वेंट अराउंड द वर्ल्ड यू नो एंड द ड्राइवर हु इज गोइंग टू टेक इट अराउंड द वर्ल्ड हैज गिवन मी अ राइड। बैठना है, राइड yes? करना है। यस यू नो बोलो, बिल्कुल से बिल्कुल 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 यस यस। तो हमारी फर्स्ट जो है वो जमीना का, एज ऑलरेडी आई हैव इंट्रोड्यूस हिम के जमीना फ्रॉम सिंगापुर और फ्रॉम द लास्ट 3.5 मंथ ये पाकिस्तान में हमारे साथ हैं, नॉर्थ भी हमारे साथ ट्रैवल कर चुकी हैं और इसके अलावा लाहौर, अभी लाहौर में एक जमीना। आई वांट टू आस्क यू दिस, वेयर हैव यू ट्रैवल्ड इन पाकिस्तान? डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस? यस, सो आई आफ्टर वागा, क्रॉसिंग वागा बॉर्डर, आई वाज इन लाहौर एंड आई वेंट टू इस्लामाबाद, अब्दाबाद, बटाग्राम, दासू, चिलास, गिलगित, Hunza, Gulmit, yes. Sost. Really? And how much time did it take you? How many months has it been for you to travel all these places? Yeah, there are many more other places that I went. So I've been in Pakistan for a total of 3.5 months. You traveled all these places in only 3 months? 3 महीने में ये इतनी ज़्यादा जगह फिराई है, हमने पूरी उम्र गुजार दी इधर
और शायद चार सूबे भी अभी तक पूरे नहीं देखे हैं. That's amazing. And do you plan on traveling more? Yes, I'm intending to head down south and then probably to Multan and maybe Cholistan desert. And how easy was it to go on a Vespa everywhere? Well, there are some challenges, like the wheels are small, so if the roads are bumpy, it's more difficult. But I go slow, ashta, ashta. Ashta, ashta, say it again. Ashta, ashta. Ashta, ashta. Great, great, I'd move on to the... ये नवीद है. नवीद अपना introduction खुद करा. जी, please. नवीद नाम है मेरा. जी, माइक बिल्कुल पास कर रहे हैं. जी, जी. और ये हमारा क्लब है, हाइकर एंड बाइकर्स. बस जैगम भाई के साथ ही होते हैं हम. आपको कहाँ से ये शौक पैदा हुआ और कहाँ कितना ट्रैवल कर चुके हैं आप अभी तक? तकरीबन पाकिस्तान कर चुके हैं सारा. सारा पाकिस्तान तकरीबन. साउथ, नॉर्थ, जी बिल्कुल, ईस्ट, वेस्ट. जैगम भाई के साथ ही ऑलमोस्ट ट्रैवल करते रहे हमारे साथ ही सारे. अच्छा अच्छा. और कितने टीम है आपको? 95-96 से कह रहे हैं. अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त. आ जाए नेक्स्ट पे. जी, ये इनको क्यों स्किप किया? जी, ये इनके बाद स्किप कर. अच्छा ठीक जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम मुनव्वर है. मुनव्वर अल्ताफ, बेसिकली मुनव्वर अल्ताफ. मुनव्वर अल्ताफ जी. पूछा बाइकर एंड राइडर से ताल्लुक रखती हैं. टूरिंग हमारा शौक है, लाइफ पैशन है हमारा. अच्छा. तो हम बाकी दोस्तों को, भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि यार आप ये रोड्स पे वन व्हील ड्राइव और ये रेसिंग वगैरह छोड़ें और टूरिंग करें और लाइफ को एंजॉय करें आप. लाइफ में ज्यादा एडवेंचरस, डेंजरस एडवेंचरस होने की जरूरत है. जी, मेरा तो उनके लिए पैगाम ये है कि यार आप लाइफ में खूब खेलो लेकिन अपनी लाइफ के साथ मत खेलो. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात. डेफिनेटली जी. रफ्तार अली नाम है मेरा. जी, ये बेगम भाई के साथ 92 से टूर लगा रहा हूं मैं. 92 से. ये बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता हूँ. ये हमारी पूरी पिंडी के मामा है. अच्छा. इनको हम मामा जी कहते हैं बेसिकली. अच्छा जी. हाँ जी. मेरा नाम खालिद निजामी है और मैं रोहतास फोर्ट से बिलोंग करता हूँ. रोहतास फोर्ट से बिलोंग करते हैं? रोहतास फोर्ट में मैं ही रहते हैं. मैं कैसे? वहाँ पे आबादी है, मतलब रोहतास की आबादी है उधर, किला सराउंडिंग में. हम तो डेफिनेटली आप हमें इनवाइट करेंगे फिर अपने. बिल्कुल, हम मोस्ट वेलकम. बिल्कुल, हम हवेली वहीं पे हमारी. अच्छा. और अभी रिसेंटली कल ही हम आए हैं रोहतास फोर्ट. अभी रिसेंटली आए हैं, कल करके टूर करके आए हैं रोहतास फोर्ट. टूर रोहतास फोर्ट किया हमने अभी. और बेसिकली रिसेंटली हमने रोहतास फोर्ट पे एक अपना जो सा ना प्रोमो शूट किया है. अगर इजाजत हो तो मैं दे दूंगा आपको, आप उसको चला भी सकें क्योंकि इस तरीके से कभी भी रोहतास फोर्ट को किसी ने नहीं दिखा होगा. जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया है, बहुत ज्यादा पसंद है. जी बिल्कुल. और ये सारा ये खालिद निजामी को क्रेडिट जाता है. ये भाई है हमारे, दोस्त भी है. मेरा नाम मियां जुबैर है और जब से बाइकर एंड राइडर बना हुआ है उस वक्त से हम इन्हीं के साथ ज्वाइन किया हुआ है और बहुत सारे टूर लगाए हैं हमने, कामयाब टूर लगाए हैं. आप लोग इधर आ जाएंगे क्या? और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हम आगे प्लान है. अच्छा. इंटरनेशनल टूर का. इंटरनेशनल टूर कहाँ जाना पसंद करेंगे? इंटरनेशनल टूर यूरोप वाली साइड पे जाएंगे सबसे पहले तो. हम बाइक पे यहीं से? बाइक पे यहीं से इस्लामाबाद से इंशाल्लाह ताला. जबरदस्त. उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो देखें इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. नेम है मोहम्मद तैमूर और बेसिकली शौक फोटोग्राफी का था. अच्छा. और एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर और नेचर एक्सप्लोर करने का फिर जैगम भाई के साथ टर्म्स बन गए तो फिर इनके साथ. मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं एक ऑटो मैकेनिक हूँ. अच्छा, इनके ऑटो मैकेनिक इसलिए ताली हो जाए इनके बगैर आप कहीं नहीं जा सकेंगे. जी, ये हर टूर में साथ होते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो इनका काम है सॉल्व करना. इधर इधर. मेरा नाम शकील रहमान है. मुझे भी बहुत शौक था ट्रैवलिंग का बाइक पे लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता था, मतलब किसी के साथ जा नहीं सकते. जब से बाइकर हाइकर्स का पता चला फिर जैगम भाई से रब्ता किया. जैगम भाई ने और मलिक रशीद साहब जैसे एक छोटे भाई के साथ लेके चलते हैं इस तरह इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और अरशद साहब ने बहुत अच्छा मुझे साथ चलाया. न्यू जनरेशन के लिए ओपन वे मतलब. जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है. हाइकिंग एंड बाइकिंग, ये इसका बाइकिंग का शौक था. ये उस्ताद खड़े हैं साथ,
और यार्डनी इन्होंने बस इनके साथ में बिलाल कुरैशी हैं, हमारे टीम के फोटोग्राफर हैं, हमारे साथ ये हर टूर के साथ ये जबरदस्त एक्चुअली मैं इनकी पूरी टीम को शूट करता हूँ और इनके वीडियोस हमने अभी देखी है, इसमें आपका भी कुछ वो स्पेशली है हमारे सजाद भाई, इज एन हाईली प्रोफेशनल वीडियोग्राफी में है, ड्रोन वगैरह ये वो एरिया। इसके अलावा ये है कि हम लोगों को बेसिकली नेचर से प्यार है, हम लोग हर जगह पहुंच जाते हैं जहां खूबसूरती देखते हैं। प्यार है ये वाली बात आपने बड़े मजे की कर दी। कौन रह गया है? सलीम 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 को दो ना, आप खड़ा करने जो रहेंगे ये सलीम आगे हो जाए, फलक तो सामने आ जाए ना, बाकी भी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन। जी फलक, और आपके साथ ही हम बारबेक्यू की तरफ भी चलते हैं। जी फलक नाम है, अभी अभी इनको ग्रुप ज्वाइन किया, बोल रहा हूं तीन बार मैंने बोला है। और वैसे तो 3D आर्टिस्ट हूं, ग्राफिक डिजाइनर हूं, लेकिन बाइकिंग का बहुत शौक है। फलक के नाम तो बस जाके रचना है, टूरिज्म और ट्रैवलिंग का भी शौक है, मैंने कहा बाइक पे निकलते हैं। क्या बात है, फलक कहां कहां जा चुकी हैं आप? अब बाइक पे इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, बाइक पे तो बस मरी घरी तक, बट यू ट्रैवल में तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज तक सारे कवर किए, सारे कर चुके हैं। जबरदस्त फलक, नेक्स्ट टाइम आप जहाँ भी जाएंगे प्रॉमिस करें हमें भी लेके जाएंगी। बिल्कुल, ये बाइक आप चलाइएगा, बिल्कुल मैं पीछे बैठूंगी, ठीक है, और हम लोग सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। जी बन गए आपके टिक्के? तैयार हो गए। तैयार हो गए तो हम टेस्ट कर सकते हैं। हम ये सलीम है हमारे। जी जी प्लीज प्लीज जी सलीम साहब। हाँ मैं सलीम, थोड़ा सा गर्म, मेरा नाम है, ये ठंडे हैं। और शुरू से मुझे ट्रैवलिंग का तो बहुत शौक था, ठंडे हैं, लेकिन बाइक पे मैंने फर्स्ट टाइम टूर किया था अपने मामों के साथ 1988 में, और हम लोग एंटीक बाइक्स पे गए थे, मैचलस, हार्ले डेविडसन और ट्राम्फ BSA, ये 1939 मॉडल बाइक्स थी। अच्छा। और हम लोग स्कर्दू खुंजरात तक गए थे, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा उनसे कट ऑफ हो गए तो मैं पिंडी में शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। अच्छा। तो मैं सोलो टूर करता रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन जब मैं बाइकर एंड हाइकर से मिला हूँ तो तब मुझे पता लगा कि मेरा असल डेस्टिनेशन ये है, और इनके साथ टूर करने का जो मुझे मजा आता है और जो फील होती है, जिस हम स्मूथनेस से चलते हैं और सेफ्टी से चलते हैं हम लोग, आई लव ऑल बाइकर एंड हाइकर्स। क्या बात है, बाइकर एंड हाइकर्स के लिए थैंक यू वेरी मच। Really? अब मुझे आप बताएं, मैं आपसे बैट कर रहा था कि व्हाट हम जीत गए या नहीं। लाल आगे तक के बहुत अच्छे होते हैं, पर ये भी उस लेवल के सही। थैंक यू जबरदस्त, ये क्रेडिट गोस टू मलिक तनवीर। बिल्कुल मलिक तनवीर साहब के लिए ढेर सारी तालियां, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन मैंने पहले करा दिया था, इसलिए मैं चाह रही हूं आपके बना रहे थे आपको माइक नहीं मिली, तो हम देते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। गरम अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी से खेलना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग हैं, मैं बार बार आपको बताऊंगी, देर ऑल प्रोफेशनल्स, और आपने सुना 92, 94, 96 से ये लोग बाइक्स चला रहे हैं, सो दे रियली नो व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, और वो लोग एक्सपर्ट्स हैं। आपने
अनलेस आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ऐसा कुछ घर पे नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, सही कह रही हूँ मैं? देता चलूँ कि हम लोग ये प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना प्रोफेशनली, हम लोगों ने देखिए सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई हैं, हमारे एंकल प्रोटेक्टर, शोल्डर प्रोटेक्टर, बैक प्रोटेक्टर, फिर नी प्रोटेक्टर है साथ, हिप प्रोटेक्टर है, अगर अल्लाह ना करे कोई गिर जाता है, कोई मसला होता है, तो हमने प्रोटेक्शन किट पहनी हुई है आपने। बिल्कुल, और वो यहाँ पे हमारा एक बाइक आई थिंक सो थोड़ा सा बिल्कुल टायर का शो गया, खराब हो गया, बिल्कुल बिल्कुल वी लेफ्ट इट ओवर देयर। तो आपने भी इसी तरह केयरफुल होना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और शो बहुत मजे का जा रहा है, मैं तो बाद में टिक्के खाऊंगी, अभी मैं बहुत जलस हो रही हूँ अपनी टीम से जो कैमरे के पीछे टिक्के खा रहे हैं, तो जल्दी से हम रैप करेंगे जल्दी से इसको। अच्छा, टेंट लगाना हमने आपको सिखाना है जी, बिल्कुल, अगर हम आ जाए टेंट की तरफ, याकूब साहब काइंडली टेंट लगाना है, आ जाए जल्दी से टेंट, जल्दी आ जाएगा आंटी, क्योंकि मैंने वादा किया था आपको टेंट लगाना तो सिखाना पड़ेगा। नईम साहब आपको आता है टेंट लगाना? कभी नहीं लगाया जिंदगी में, मैं इन्हें बता रही थी, मैंने कहा ये टेंट जो है ना ये थोड़ा मॉडर्न वही वाला लगाना, हां ये आसान बहुत है, क्योंकि जो टेंट मुझे याद था वो बहुत मुश्किल है, वो तो वो लकड़ी के वो कर के उसके साथ, और अगर वो लकड़ी खींच जाए या छूट जाए हवा खास करो तो गया, ओए होए होए बड़ी मुश्किल होती है जी, बिल्कुल इसके साथ ही करना है, ये दोनों एक ही जैसे टेंट है। अच्छा ये हमारे बस की बात है, अगर हम लड़कियां कैंपिंग करने जाएं तो हम भी लगा सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल सुपर पावर होने की जरूरत नहीं है। दरवाजा है तो दरवाजा अच्छा इन्होंने मुझे बताया इसके अंदर 5-6 फुट का आदमी खड़ा हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने खड़ा हुआ है ना, मैं उसमें था। अच्छा, और इन्होंने कहा इसमें 4 लोग सो सकते हैं, आपको क्या लगता है ये हो सकता है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन, क्योंकि कैंप में और खासकर सर्दियों के कैंप में आप साथ साथ सोते हैं, ये तो वो इतनी लग्जरी, वो कोई बेडरूम की तरह नहीं होता, बल्कि वो कैंप लाइफ जो होती है वो कम से कम में गुजारा करना होता है, पानी खुराक चीजें बड़ी मजे की, बल्कि मैं बड़ा मजे का एक एक्सपीरियंस एक दफा शेयर करूँ। एक दफा हम अयूबिया के पास कैंपिंग कर रहे थे, और उसके बाद सारे दोस्त एज इट इज अपना खेमा छोड़ के चले गए, और इस एरिया में बंदर बहुत हैं, और जब वापस आए तो हमारी कोई चीज भी मौजूद नहीं थी, थोड़ी देर बाद कोई कब किसी दरख्त से गिर रहा था, कोई इलेक्ट्रिक केटल था, बंदर ले गए थे। तो इसलिए जब कैंपिंग के लिए जाएं और खास इन एरियाज में मरी और इसके मजाफात में, तो वहाँ पे अपने सामान को खूब लॉक करके एहतियात के साथ रखें, क्योंकि इंसानों से नहीं बंदर से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि वो भी उनकी चीजें लेते हैं, वो ले जाते हैं और वो खेलते हैं। वेरी नॉट वेरी नॉट। अच्छा ये पहले अगर ये साथ साथ आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करें, जिनके पास माइक है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करें कि आपने किया क्या है, साथ साथ करते रहे, ठीक है? आपको माइक लगा हुआ है ना? अच्छा मुझे माइक दे दें, हैंड माइक आप बता दें साथ साथ जी, आपको तो लगा हुआ है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये पीछे हमारा टेंट जब तक लग रहा है, मैं दावत दूंगी अपने सिंगर को ताकि हम लोग साथ साथ एंजॉय भी करें इसको, और आपको इसकी मेकिंग नजर आ रही है। मैं आपको ब्रीफली बता दूं, ये टेंट एज इट इज मेड है, ऑल यू नीड टू डू इज, इसके आपके पास 2 स्टिक्स हैं और उसके अंदर कुछ होल्स हैं, उसमें से आपने उन स्टिक्स को क्रिस क्रॉस घुसाना है और उसको लॉक करना है, और फिर इसको जमीन के अंदर लगा के वाटर प्रूफ है, तो बारिश भी अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या गाने लगे हैं अभी? जैसे मस्ती का माहौल है जी, मस्ती जबरदस्त, ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं अपना गाना। जो मिल जाए तो बोलो फिर गाओ हम,
के मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो बहुत ध्यान मांगे लेकिन हार ना हो हमारी जीत कभी की हार ना हो सारे जमाने में हम ये मस्ती के दिन है चलो झूमे हर जाए हम चले तो सभी घूमे हम रुके आसमान में बोलो रोजा सुबह छूने ये सदा आसमान में उस नया तेरा प्यार उस नया तेरा प्यार तेरे हंसता मुझे ये मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए सारे सवाले हम प्रसाद मांगे कभी इनकार ना हो हमारी जीत में भी किसी हार ना हो सारे सवाले थैंक यू सो मच महकती मॉर्निंग. आज हम लोगों की बहुत मज़ेदार गुजरी, बहुत टेस्टी गुजरी और टिके खारों का टाइम आ गया है तो अब हम जाएंगे. थैंक यू सो मच बाइकर्स एंड हाइकर्स, थैंक यू सो मच आर वेरी वंडरफुल सिंगर्स, थैंक यू फॉर कमिंग हियर ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर. मियां नईम साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें एंटरटेन भी नज़र नहीं आ रही किधर किधर धूप हो गई है बहुत ज़्यादा. थैंक यू सो मच मियां नईम साहब, आज आपने हमें गा के भी एंटरटेन किया तो ये तो हम नहीं भूलेंगे. थैंक यू माई व्यूवर्स फॉर वॉचिंग. मेरे और केस्ट्रा के लिए भी बहुत सारी तालियां हो जाए नहीं. थैंक यू एवरी वन. इसी के साथ अल्लाह हाफिज, मुलाकात होगी आपसे सुबह. और मेजर साहब किधर हैं क्योंकि मैं उनके साथ हूँ.